सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषा की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी टाइम से व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी बिकॉज थोड़ी तबीयत ख़राब भी चल रही थी, हेल्थ इशू भी थे और प्लस आयशा के एग्जाम्स भी चल रहे थे, तो मैं बहुत टाइम से बिजी भी थी। तो यहाँ पर आप देख जो रहे हैं, मैं बेड को थोड़ा रीअरेंज कर रही हूँ बिकॉज मेरा आगे जो था ना, ये वॉल के साथ जो बेड लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है ना कि जैसे मैं डोर ओपन करती थी तो बहुत ठंड का टाइम वैसे चल रहा है, बहुत ठंड लग जाती थी। तो वास्तु के हिसाब से मैं यहाँ पर भी बेड रख सकती हूँ और जो कर्टन है उसके आगे भी बेड रख सकती हूँ। तो यहाँ पर जब जैसे विनीत ऑफिस से आया तो मैंने उनको थोड़ा रेस्ट करने को बोला और उसके बाद मैंने कहा चलो काम पे लग जाते हैं बिकॉज दोपहर के टाइम पे ऐसा कोई होगा नहीं जो मेरे साथ बेड अरेंज करके देगा। तो यहाँ पे बस हम अपना बेड ठीक कर ही रहे हैं। तो आप बताना कि लोकेशन कैसी लग रही है बेड की, मेरे को तो ठीक लग रहा है और कमरा और भी खुला खुला लग रहा है। सो आप भी बताना कि आप अपना बेड को किस तरह लोकेट करके रखते हैं और कैसे रखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं वॉक करने गई थी और बस मैं अपने घर जा ही रही हूँ। सुबह सुबह मुझे अपने प्लांट्स को देखना बहुत पसंद है, तो देखो किस तरह से मेरा पिटूनिया फ्लावर, पर्पल फ्लावर और भी बहुत अच्छे अच्छे जो मेरे प्लांट्स हैं उन सबको मुझे देखने से बहुत ग्रीन जो है अच्छी अच्छी वाइब्स आती है। तो कबीर के भी स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, अभी छोटा है, जैसे प्ले स्कूल जाता है तो गिलास में भी दूध पी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों चिड़चिड़ा इतना हो जाता है गिलास में दूध पीने से। तो मैं क्या करती हूँ कि बच्चा को किसी तरह से बच्चे का पेट भरे तो मैं उसको बोतल में ही फ़िलहाल दूध दे देती हूँ ताकि उसका पेट भरा रहे, फिर उसने जाके वहाँ पे उसका ब्रेकफास्ट मैं बना देती हूँ और वो अपना खा लेता है। तो बस इसी तरीके से मेरा टाइम होता है। यहाँ पे मैं कबीर को सी ऑफ कर रही हूँ और ये देखिए मैं आपको जो प्लांट्स दिखा रही थी ना, तो जब भी यहाँ पे धूप पड़ती है तो इस तरह से मेरे कुछ प्लांट्स लगते हैं। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं कबीर को भेजती हूँ, मैं थोड़ी देर धूप ज़रूर सेकती हूँ क्योंकि मेरे को फिर इसके बाद धूप सेकने का टाइम नहीं मिल पाता, तो उसके बाद फिर धूप भी चली जाती है। तो जैसे ही मेरे को धूप यहाँ पर आती है इस तरफ मेरे बालकनी की तरफ, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। यहाँ मैंने बनाया है आज गोभी का परांठा, गोभी का परांठा स्टफ परांठा और साथ में मक्खन हो और साथ में हो गरम गरम चाय। तो किसको पीना पसंद है गोभी का परांठे के साथ चाय, मुझे ज़रूर बताना। आजकल तो वैसे सर्दियों का टाइम है तो गोभी का परांठे, मूली के परांठे, आलू के परांठे आप खा सकते हो। सर्दियों में तो फिर भी परांठेज़ खाए जाते हैं लेकिन ना पता है गर्मियों में ना खाए नहीं जाते, बहुत भारी भारी सा लगता है और इसमें क्या होता है फुल फिलिंग भी होता है, इसके बाद अपना दोपहर तक आराम से टाइम चल जाता है। तो बस फिर यही है, मैं अपने नहा धो के तैयार हो गई हूँ, इसके बाद फिर मैं लग जाऊँगी अपना काम पे क्योंकि पहले क्या है ना स्किन केयर को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेडीज़ को यही प्रॉब्लम होती है कि हम अपने काम में अपने बच्चों में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आप को स्किन केयर को भूल जाते हैं। अपना हेयर केयर, अपना स्किन केयर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, घर के काम के इंपॉर्टेंट भी होता है लेकिन अपनी हेल्थ और अपनी स्किन, अपने आप को भी पैम्पर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही बच्चे चले जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा पलंग में जो सामान फैला होता है, ड्राइंग रूम में जो सामान फैला होता है उसको मैं समेटती हूँ क्योंकि मेड तो आती है वो अपना झाड़ू पोछा बर्तन कर दिया लेकिन जो ऊपर का काम होता है ना, ये लगता तो बहुत आसान है कि झटपट हो जाता है काम लेकिन इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है, कोई चीज़ कहाँ पे, फिर उसमें हमारे 10 चक्कर लग जाते हैं, किसी को किस रूम में रखना होता है, किसी को किस रूम में। और सुबह सुबह जब हम बच्चों को भेजते हैं तो हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, हम बस ये सोचते हैं कि चलो इसको बाद में रख देंगे, आराम से पहले हम बच्चों को भेज दें। और जब बच्चे जब चले जाते हैं ना तो उसके बाद हमारे को पता चलता है कि हमारा कितना सारा काम पेंडिंग है और वो पेंडिंग काम भी हमारा रात तक चलता ही रहता है बिकॉज़ क्या होता है ना हाउस वाइफ्स के जो काम होते हैं ना कभी ख़त्म नहीं होते। अब पहले मैं वर्किंग थी तो पहले क्या होता था कि अपना आई अपना काम निपटाया और बच्चे उस टाइम पर मेरा साइशा थी बस, उस टाइम का कबीर नहीं था तो उस टाइम पे हो जाता था मैनेज, जैसे जैसे करके मैनेज कर लेते थे। लेकिन जब दो बच्चे हो जाते हैं ना और आप हाउस वाइफ हो तो मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और स्पेशली जब आपकी मदर इन लॉ ना हो तो बस वही थोड़ा बहुत ध्यान करना होता है बच्चों के साथ। और यहाँ पे क्या है ना अपनी जो बेडशीट है मैं दोबारा इसको उठा के बिछा नहीं रही हूँ क्योंकि रात में ही पलंग समेटा है, उसके बाद मैंने साफ़ चादर बिछाई थी, इसमें कोई मिट्टी विट्टी कुछ नहीं थी तो मैंने नॉर्मल इसको झाड़ दिया है क्योंकि अब कबीर का भी आने का टाइम हो गया है, कबीर अभी प्ले स्कूल में है तो जल्दी आ जाता है तो तब तक मैं उसके लिए सारे काम करके रख देती हूँ, अपने आप को रेडी करके रखती हूँ, उसके लिए जितनी भी बॉटल्स होती है उसको बॉयल करके रख लेती हूँ, उसके लिए जो स्पेशली सब्जी बनती है फिक्की वाली वो बिना मिर्च की वो बना के रख लेती हूँ। तो छोटे छोटे काम करते करते ना हो ही जाते हैं पूरे दिन में। यहाँ पे देखो मैं जो लिपस्टिक का जो शेड लगा रही हूँ ना, ये ना मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट करी है, ज़ूडियो का एक होगा कोई ब्रांड पता नहीं है मुझे, तो उसने कहा दीदी ये वाला ट्राई करो तो मैंने ट्राई करा। इसका ऑनलाइन स्टोर भी है लेकिन वो ऑफलाइन गई थी, आई मीन वो स्टोर में गई थी डायरेक्ट, तो उसको शेड उसने मुझे दो तीन दिखाए थे, मुझे ये पसंद आया था। टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़, आप भी बताना कि आपको लिपस्टिक के शेड कैसे पसंद है, डार्क कलर्स या लाइट कलर्स, क्योंकि मुझे तो डार्क कलर्स पसंद आते हैं। तो कबीर का ना स्कूल से आने का टाइम हो गया है तो अभी हमारे को उसको स्कूल लेने जाना पड़ेगा जो जिस स्कूल में पढ़ता है, तो बस मैं जा रही हूँ कबीर को लेने के लिए, नॉट साइशा को, साइशा तो अपने आप बस में आते हैं लेकिन कबीर को हमें लेने जाना पड़ता है। कबीरू कबीरू ने क्या पीना है?
हैं? तेज की बोलो, जूस पीना है अभी। देखो बोलो हाय गाइस, कभी नहीं बोलो हाय गाइस, ढंग से करना है, जल्दी बोलो, बोलो हाय गाइस, हाय गाइस। मंचल की दुनिया को बच्चे की दुनिया को लाइक करो, सब्सक्राइब करो है। ओए गिर जाएगा वो, देख इसकी तो टंकी शुरू। चलो उठ के बैठ, देख मम्मा ने पुच्ची करी, लिपस्टिक लग गई बाबू को। ओए ये देख 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 देख। तो गाइस कुछ इस तरह से बीतता है मेरा सुबह का टाइम। तो अगर आपको और भी मेरी वीडियोस देखना पसंद है तो डू लाइक माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। और अच्छे अच्छे आप कमेंट्स देते रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम एक परिवार की तरह है। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओम साई राम, बाय बाय।